नमस्कार, आप देख रहे हैं जुबी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। राजस्थान में मास्क लगाना अनिवार्य, सरकार ने बनाया कानून। जी हाँ, राजस्थान में मास्क लगाना अनिवार्य होगा, राज्य सरकार इसके लिए कानून बना रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह जानकारी दी है। सरकार का मानना है कि जब कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, मास्क के इस्तेमाल से इस बीमारी को फैलने से तब तक रोका जा सकता है। राजस्थान सरकार ने त्योहारी सीजन में पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना की महामारी के दौरान लोगों की जिंदगी बचाना ज़्यादा जरूरी है। उन्होंने राज्य में कोरोना के हालात की समीक्षा करने के बाद यह बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने 16 नवंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य होगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव हेतु मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश भर में राजस्थान पहला राज्य होगा। क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए मास्क ही वैक्सीन है और यही बचाव करेगा। यात्रियों के लिए खुशखबरी, ऐसे खत्म होगी 327 ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट, रेलवे ने बनाया ये प्लान। जी हाँ, आपको बता दें कि त्योहारी मौसम में सैकड़ों स्पेशल ट्रेनें चलाने के बावजूद यात्रियों को टिकट न मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं 300 से ज़्यादा ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट भी यात्रियों को हो रही परेशानी को दर्शाती है। इंडियन रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में चल रही 327 ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट दिख रही है। हालांकि रेलवे जल्द ही इस समस्या का निदान करने जा रहा है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि वेटिंग लिस्ट की समस्या को खत्म करने के लिए ट्रेनों की टिकटों की संख्या का विश्लेषण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सबसे व्यस्त रूट्स पर, यानी कि वेटिंग लिस्ट वाले टिकटों के रूट पर, और अधिक ट्रेनें भी चलाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। डेटा के विश्लेषण के बाद इन मार्गों पर और ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। यही नहीं, ट्रेनों में यात्रियों को कन्फर्म सीट मिल सके इसके लिए क्लोन ट्रेन चलाने की भी संभावना है। दिवाली से पहले पेटीएम ने अपने यूजर्स को दिया तोहफा, खत्म किए चार्जेस, फ्री में उठाएं फायदा। जी हां, आपको बता दें कि मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम अपने यूजर्स को अलग अलग मोड के जरिए पेमेंट का विकल्प देती है। पेटीएम यूजर्स इस ऐप के जरिए UPI से लेकर कई तरह के बिल्स का भुगतान चुटकी में कर लेते हैं। एक तरफ बैंक अकाउंट से पेटीएम वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करने पर यूजर्स को कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, लेकिन इसके उलट, यानी कि पेटीएम वॉलेट से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पर यूजर्स को चार्ज देना पड़ता था। कई यूजर्स को इसे लेकर चिंता थी। अब खुद पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने इस पर जवाब दिया है। विजय शेखर शर्मा ने एक पेटीएम यूजर को इस बारे में जवाब दिया है। एक यूजर ने उनसे पूछा कि अगर आप पेटीएम वॉलेट से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पर लगने वाले 5% चार्ज को हटा लेते हैं तो इससे क्या होगा? क्या इससे यूजर बेस बढ़ेगा? क्या यह आपकी कंपनी के लिए एक खाई की तरह है? इसके जवाब में पेटीएम संस्थापक ने लिखा कि अब यह 0 है। हाँ, हमने इस चार्ज को हटा दिया है। भाजपा ने राज्यसभा की 8 सीटों पर मारी बाजी, BSP और सपा को एक एक पर मिली जीत। जी हाँ, आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के 8 तो समाजवादी पार्टी और बसपा का एक एक उम्मीदवार निर्विरोध राज्यसभा गया है। भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, पूर्व DGP ब्रिजलाल, नीरज शेखर, हरिद्वार दुबे, गीता साक्व, BL वर्मा और सीमा द्विवेदी को राज्यसभा जाने का मौका मिला है। जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव और BSP प्रत्याशी रामजी गौतम निर्विरोध राज्यसभा चुने गए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, LAC पर स्थिति कंट्रोल में, भारतीय क्षेत्र में नहीं घुसी चीनी सेना। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि भारतीय क्षेत्र में चीनी सेना नहीं घुसी है। उन्होंने ये भी कहा कि LAC पर स्थिति कंट्रोल में है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार चुनाव के दौरान अपनी रैलियों में चीन के साथ लगी हुई नियंत्रण रेखा, यानी कि LAC पर हालातों को लेकर लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है।
हालांकि इस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दावे पूरी तरह से निराधार हैं। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी संघर्ष के बारे में बोलते हुए सिंह ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर स्थिति नियंत्रण में है और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA के सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। उन्होंने कहा कि स्थिति हमारे नियंत्रण में है। चीनी सेना के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के दावे पूरी तरह से निराधार हैं। चुनावी सभा में बोले CM योगी, कहा सीतामढ़ी से 5 घंटों में पहुंच सकेंगे अयोध्या, बनेगा राम जानकी मार्ग। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। तो वहीं तीसरे और आखिरी चरण में 7 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए सभी दलों के उम्मीदवार और स्टार प्रचारक जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में BJP के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर बिहार में नेपाल से सटे हुए सीतामढ़ी जिले में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान CM योगी ने सीता के जन्म स्थान के रूप में मशहूर सीतामढ़ी के लोगों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच राम जानकी मार्ग बन रहा है। इस मार्ग के पूरा हो जाने के बाद सीतामढ़ी से अयोध्या तक 4 से 5 घंटों में पहुंचा जा सकेगा। JDU विधायक बोले, पलायन नहीं है कोई मुद्दा, बाढ़ आने के बाद दिल्ली मुंबई घूमने जाते हैं बिहार के लोग। जी हां, आपको बता दें बिहार चुनाव में जहां पलायन बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो वहीं JDU विधायक का कहना है कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बड़े शौकिया मिजाज के हैं जो बाढ़ आने पर दिल्ली और मुंबई घूमने के लिए चले जाते हैं। JDU विधायक के इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस नेता ने विधायक को घेरना शुरू कर दिया है। दरभंगा के कुशवेश्वर स्थान से JDU विधायक शशि भूषण हजारी ने अपने बयान से राजनीति को गर्मा दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग शौकिया होते हैं, इसलिए बाढ़ के समय अपना गांव घर छोड़कर घूमने फिरने 3-4 महीनों के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर चले जाते हैं। जैसे ही बाढ़ का पानी कम हो जाता है, सभी लोग गाँव वापस चले आते हैं। बिहार में पलायन कोई मुद्दा नहीं है। शशि भूषण हजारी ने कहा कि इनके इलाकों में बाढ़ बड़ी समस्या जरूर है, लेकिन यहाँ के लोग काम के अभाव में मजदूरी करने दूसरे राज्य नहीं जाते हैं, बल्कि वे अपना घूमने फिरने का शौक पूरा करने जाते हैं। JDU विधायक ने कहा कि दूसरे राज्य में भी लगभग उतना ही पैसा मजदूरों को मिलता है जहाँ यहाँ गाँव में मजदूर को मिलता है। पलायन कोई समस्या नहीं है, काम की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। RJD प्रमुख लालू यादव का PM मोदी पर हमला, कहा यह डबल इंजन नहीं ट्रबल इंजन सरकार। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। 3 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान थम चुका है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 4 रैलियां की। अपनी रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री ने बिहार में एक बार फिर नीतीश बाबू की सरकार आने की उम्मीद जताई, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिहार में NDA की सरकार को डबल इंजन सरकार बताया, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन पर निशाना साधते हुए डबल युवराज बताया। प्रधानमंत्री के इस बयान पर राजद प्रमुख लालू यादव ने हमला बोला और उसे कहा कि डबल इंजन की यह सरकार नहीं बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार है। लालू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह डबल इंजन नहीं ट्रबल इंजन है। लॉकडाउन में फंसे हुए मजदूरों को वापस लाने के वक्त डबल इंजन कहां गया था। सीतामढ़ी में गरजे JP नड्डा, बोले बिहार बाहुबल से निकलकर विकास बल की ओर बढ़ चला है। जी हां, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि बिहार बाहुबल से निकलकर विकास बल की ओर लालटेन युग से निकलकर LED युग की ओर बढ़ चला है। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में बहुत काम हुआ है। सीतामढ़ी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में जहां राजग सरकार में विकास की चर्चा की, तो वहीं विरोधियों पर भी निशाना साधा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश आगे बढ़ा है, देश की दुनिया में पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि बिहार में 15 साल पहले जो लूट राज था, उसे लॉ एंड राज के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बाहुबल से निकलकर बिहार विकास बल की ओर ले जाने का काम यहां पर हुआ है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान मणिपुर और मिजोरम में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है।
एक दो स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। त्रिपुरा, नागालैंड, असम के कुछ हिस्सों, आंतरिक तमिलनाडु, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें दर्ज की जा सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने का अनुमान है। दिल्ली में प्रदूषण से राहत की उम्मीद अगले 24 घंटों के दौरान भी नहीं है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्तर पर ही बना रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर ही रहेगा। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे ही बना रहेगा। आज का मैड कुछ क्वेश्चन आ चुका है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ, अभी के लिए धन्यवाद।